तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कुछ भी सही नहीं चल रहा था और जब मैं प्लम्बर से हेल्प मांगने के लिए गया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। यस, अब मैं प्लम्बर नहीं रहा हूँ। उसके बाद हमारी ओमनीट्रिक्स खराब हो गई और हमारी ओमनीट्रिक्स चले ही ना, लेकिन उसके बाद वो एक चमत्कार। इसका मतलब अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो यार यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं न्यू ओमनीट्रिक्स और यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके पावर्स को देखने के लिए। यहाँ पे हमारे पास पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा पावरफुल एलियंस आ चुके हैं और अब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा अगर मैं प्लम्बर नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास अब फिर से पावर आ चुकी है गाइस। अब हम सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और ओमनीट्रिक्स मिलने की खुशी में मैं एक और वचन लेता हूँ। इस बार मैं अपने घर के काम को कम्प्लीट करके रहूँगा। मैं अपने घर का फाइनल स्ट्रक्चर दे के ही रहूँगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलियन है लेकिन यार मुझे ये वाला सही लग रहे। तो यार चलो होते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैं हो चुका हूँ एक और शानदार एलियन में और यार क्या सही लग रहा है। और हमारे पास ज़्यादा पावर्स आ चुके हैं और ये देखो हमारे पास कितने ज़्यादा इफेक्ट आ चुके हैं, मतलब यार बहुत ज़्यादा मस्त है। और इतने टाइम के बाद एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं जो अपने घर के काम को कंप्लीट करके ही रहूँगा यार, मतलब साल हो चुका है और अभी तक मैंने अपने इस बेस को कंप्लीट नहीं किया। यार मैं सोच रहा हूँ उसको पहले से ज़्यादा बड़ा बनाऊँ, काफ़ी मस्त। और कई सभी के लिए हम जो यहाँ पे अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अपना घर अपना ही होता है और मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ। और यार मुझे लग रहा है ना कि किसी को हमारे बेस के बारे में पता चल चुका है और वह यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यार जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी ओमनीट्रिक्स रखने की जगह पर मैंने जो है पेंटिंग को प्लेस किया था लेकिन यहाँ पर अभी वो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पहले से कोई तो आ चुका है और उसके बाद हमारी ओमनीट्रिक्स भी ख़राब हो गई, तो इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, पता लगाना पड़ेगा। तो अभी के लिए चलो चलते हैं ऊपर और न्यू पावर्स को ट्राई करते हैं, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पावर को देखने के लिए, मज़ा आने वाला है। और यार मैं सोच रहा हूँ ना अपने घर के लिए एक न्यू एग्जिट पॉइंट बनाऊँ और बेस भी। और सामने ये क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है ये। और ये क्या, हमारा पूरा टावर कहाँ गया और हमारा फार्म भी। यार जैसे लग रहा है कि ये पूरा जल चुका है, लेकिन ये किया किसने? और यार मैंने अभी तक स्पॉन फायर की एबिलिटीज का यूज़ नहीं किया है। यार मैं तो मस्त नीचे था लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है। यार मेरा वॉइस टावर इसको बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगा था यार। यार बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और हमारा विलेज भी डिस्ट्रॉय हो चुका है यार, ये भी जल चुका है और हमारे विलेजर्स बाहर घूम रहे हैं। यार ये गलत बात है यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये अच्छा है कि हमारा जो 25K सेफ है, क्योंकि यार मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ कुछ भी हो जाए। और बाकी के लिए अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यार ये किया किसने? न्यू ओमनीट्रिक्स मिलने के बाद मैं कितना खुश था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमारा वॉच टावर और हमारा विलेज जल के खाक हो चुका है। ये किसने किया मुझे नहीं पता। और यार मुझे बिल्कुल पता तक नहीं चला कि ऊपर जो आग लगी है, मतलब बिल्कुल साउंड तक नहीं आया। और बिना प्लम्बर्स की मदद के हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। चलो यार अच्छे प्लम्बर्स ने मुझे निकाल दिया, वैसे भी मैं पोस्ट को छोड़ने वाला था। गाइस क्या हुआ, क्या हुआ अगर हमें प्लम्बर्स ने निकाल दिया तो? लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। और यार यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने यहाँ पे खुद की एजेंसी बनाएं जो कि प्लम्बर से ज़्यादा पावरफुल होगी और वो प्लम्बर्स की तरह डरपोक नहीं होगी। गाइस कैसा लगा आपको मेरा आइडिया और क्या आप लोग मेरी इस एजेंसी को ज्वाइन करना चाहोगे, बताओ यार मुझे। और हम इसका नाम रखेंगे अल्ट्रा प्लम्बर्स। चलो कोई अच्छा सा नाम बाद में सोच लेंगे, नाम में क्या रखा है। बट अभी के लिए एक अच्छी बात है कि हमारे हाथों में पावर तो हम कुछ ना कुछ तैयार कर ही सकते हैं। ओके यार अभी के लिए और ये रात, तो यार चलो सो लेते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। जिसने भी किया मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, उसने गलत आदमी से पंगा लिया है। अभी के लिए हम सो लेते हैं फटाक से और सुबह चलते हैं ढूंढने उसको, कौन है वो। ओके तो हो चुके हैं सुबह और अब मैं यहाँ पे अपने बिग ब्रेन का यूज़ करूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, इसके पीछे जो भी है। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible. अरे, क्या था ये? मैं अच्छे से देख तक नहीं पाया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो उसका पीछा करते हैं। जेट रे, आ रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं। यार इतनी जल्दी वो कहाँ पे जा सकता है, यहाँ पर नहीं है। और मैं मानता हूँ कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज थी, लेकिन यार इतना भी तेज नहीं था कि वो जेटरे की स्पीड को मैच कर पाए। आगे होशा ना तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता यार, वो पता नहीं कहाँ पे जा चुका है, बिल्कुल यार गायब हो चुका है। A few moments later. Okay, तो गाइस यहाँ पे शाम हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें वो मिला नहीं है। और मैं उसका पीछे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा था, मतलब यार वो कोई मॉब नहीं था। उसका जो है बॉडी ह्यूमन की थी लेकिन हाफ पार्ट उसका जो एलियन का था और जो पार्ट था वो जो हीट ब्लास्ट से मैच कर रहा था हमारे।
और एक सेकेंड, अगर वो हीट ब्लास्ट के जैसा था, वो भी बिना किसी ओमनीट्रिक्स के अगर वो ट्रांसफॉर्म हुए तो यहाँ पे अगर एलियन एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो ये केवल एक ही बंदा कर सकता है, कहीं ये केविन तो नहीं था। और हमारे मासूम का गुम होना, हमारे विलेजर्स का गायब होना और हमारे ओमनीट्रिक्स का खराब होना, कहीं इन सब के पीछे कोई कनेक्शन तो नहीं है? और अगर इसके पीछे केविन लेविन है, आई विल मेक यू सफर।